नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुविधा चैनल पर। आज है 22 जुलाई 2020 और अब तक के करंट अफेयर की हम बात करेंगे। पहली मुख्य बात यह है कि ब्रिटेन ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। दूसरी मुख्य बात, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। तीसरी मुख्य बात यह है कि असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हुई है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर को देने की घोषणा की है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय और पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको कितने रुपए देने की घोषणा की है? 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला है कि ई मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये? नई दिल्ली में ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा हाल ही में डेंगू विरोधी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने की है। तो अभी अभी में कुछ घोषणाएं हुई हैं, वो आपको कौन से राज्य के द्वारा की गई हैं पता होना चाहिए। तो किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है हरियाणा ने। असम सरकार ने हाल ही में प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की भी घोषणा की है। किसने की है? असम सरकार ने। जो भी लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे उनको सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी, ये घोषणा की है। अगली मुख्य बात यह है कि भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच PAESSEX अभ्यास आयोजित किया गया। अगला है, दिल्ली में हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू कर दी गई है। COVID-19 के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं वहां पर, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया गया है। अगली मुख्य बात यह है कि हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। 12वीं मुख्य बात है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को 2021 तक स्थगित किया गया। अगले साल 2021 में अक्टूबर में इनके होने के चांसेस हैं। 13वीं मुख्य बात यह है कि हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, और इसे इसका उद्घाटन किसने किया है? हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क बना है और इसका उद्घाटन किया है हरसिमरत कौर बादल ने। हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? गोधन न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। अगली मुख्य बात हम देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और एमपी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह को क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में भाजपा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। अगली मुख्य बात, हाल ही में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे शुरले ने अब फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये थी अभी तक की मुख्य बातें और करंट अफेयर से संबंधित कुछ जानकारी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत मुख्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।